हमारी तकदीर भी देखो, महामारी का डर है और अभी ही डॉक्टर पिल्लई का तबादला किया गया है। इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना। राम जी बड़े दयालु हैं, वो किसी को भी मझधार में नहीं छोड़ते, बस इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से एक कोशिश करें तो वो अपनी ओर से एक मदद करते हैं। हो सकता है राम जी हमारी मदद के लिए अपना कोई फरिश्ता भेज दे। तुम मेरी बात सुनोगे? नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। हर बार मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ, इस बार तुम मेरी सुनोगे? नहीं। हाँ, तुम मेरी बात मानोगे? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। नहीं, तुम मेरी सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? नहीं, तुम्हें सुननी पड़ेगी। मैं नहीं सुनूंगी। नहीं, सुनना पड़ेगा। बाजी, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? मैंने ये झगड़ रही है मुझसे, जबकि गलती तो उसकी है। मेरी गलती कहाँ से हुई? हम लोग घर घर खेल रहे थे, मैंने इससे कहा कि मैं बाहर जाकर काम करूंगी, तुम घर संभालना, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अब हर बार जो ये बोलेगा वही होगा क्या? सुना ना आपने साई, ये ऐसे ही बेकार के सुझाव देती है, और अगर ना मानू तो झगड़ती है। भला ऐसा कभी होता है क्या कि लड़की काम करे और लड़का घर संभाले? मेरे बाबा, इसके बाबा और गांव के सभी लड़के काम करते हैं और लड़की घर संभालती है ना? सबके काम पहले से ही तय है, तो लड़की लड़कों के काम कैसे कर सकती है? बच्चों, ये पेड़ देख रहे हो? हाँ साई। बताओ, ये पेड़ जड़ों की वजह से खड़ा है या तने की वजह से, या पत्तियों के कारण या टहनियों के कारण? जड़ों की वजह से। सब उतने ही जरूरी है साई। बिल्कुल ठीक, जड़ों या तने में से कोई भी कमजोर होगा तो पेड़ खड़ा नहीं रह पाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि जड़ों ने इसे जमीन के अंदर से पकड़ रखा है और तने ने इसे जमीन के बाहर से। उसी तरह इसकी पत्तियां जो पेड़ का भोजन तैयार करती हैं, और टहनियां जो उस भोजन को पूरे वृक्ष तक पहुंचाती हैं। सबकी भूमिका इस वृक्ष के स्वस्थ खड़े रहने में अहम है। ना तो पत्तियां तने का काम कर सकती हैं और ना ही टहनियां जड़ों का काम कर सकती हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार जिसकी जो भूमिका है वो बदलती नहीं है, लेकिन अपने यहां स्त्री पुरुष की भूमिका समाज ने अपने सहूलियत के हिसाब से तय की है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री पुरुष के काम नहीं कर सकती। अगर उसकी इच्छा हो और जरूरत हो तो स्त्री बिल्कुल बाहर के काम भी कर सकती है और अपना घर भी चला सकती है, और पुरुष भी बाहर के काम छोड़कर बड़ी कुशलता से घर संभाल सकता है। मैं समझ गया साई। बेला, तुम काम करना, मैं घर संभाल लूंगा। भाई जमा, मुझे कहीं जाना है। पाटिल जी, आप ये बाकी लोगों में बांट दीजिएगा। एक बात पूछूं सरकार, आप खुद पैसे वाले हैं, कारखाना खुद खोल सकते हैं, तो फिर किसी और की खिदमत करने की क्या जरूरत?
अगर तुझमें इतनी समझ होती तो आज शिरडी में मेरी तूती बोलती। अगर दूसरे का पैसा लग रहा हो तो जोखिम की संभावना और कम हो जाती है। मतलब नुकसान होने वाला है। दूर दूर तक हानि होने की कोई संभावना नहीं है, ये देख रहा है। जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। महामारी के आने से पहले ही डॉक्टर गया शिरडी से। अब ना चाहकर भी शिरडी और आसपास के गांव वालों को मेरे पास ही आना होगा, समझा? आ गया तो फकीर टांग अड़ाने। दरख्वास्त करने आया हूं सरकार, आप तो जानते हैं आने वाला समय शिरडी पे कितना भारी है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या का उपयोग लोगों के भले के लिए करें तो सच में बहुत लोगों की मदद हो सकती है। ऐसी आपदा के समय सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचना, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, ये तो ऐसा पाप है जो राम जी को भी कभी मंजूर नहीं होगा। चुप, बंद कर अपना यह उपदेश। मेरी औषधि मेरी इच्छा, मैं जितने में चाहूं उतने में बेचूं। जिसे लेना है लेगा, नहीं तो जाएगा किसी वैद्य के पास या चिकित्सक के पास। और हाँ, वैसे भी शिरडी और आसपास के गांव में कोई चिकित्सक भी नहीं रहा ना। बहुत दुख होता है ना, है? लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे उचित लगता है। और क्यों ना करूं, है? ये गांव वाले तो हमेशा तेरी सुनते हैं, मेरी कहा सुनते हैं, तो क्यों होगी मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी सहानुभूति। बोल चुकाने दो और लेने दो मुझसे औषधि। और इसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं है तुम्हारे पास, है ना? कुलकर्णी सरकार, अहंकार करना अच्छा नहीं है। और जब जब इंसान का अहंकार बढ़ता है तो उसे तोड़ने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है राम जी की कृपा से। सावित्री, हाथ देना बेटी। हाँ, इस घुटनों के दर्द ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। भाई, मैंने कहा था ना कि आप बंबई ही रुकना। क्या जरूरत थी इतना लंबा सफर करने की, इतना दर्द झेलने की? मैं अकेली कर लगता है तुझे कर लेगी अकेले। चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना तेरे साथ, इसीलिए तो आई हूं। अब चल, जाना कहाँ है? वो जगह तो मुझे भी नहीं पता, किसी से पूछ लेंगे। ठीक है, चल। आई, सच तो ये है कि मैं नहीं जानती हूं कि आपके साथ भी मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। भ्रम में जी रहा है तू फकीर, भ्रम में।
कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देख, तेरा डॉक्टर पिल्ले ही गया शिरडी से, और तेरी भलाई भी इसी में है कि तू भी भाग जा यहां से। इस बार शिरडी की रक्षा केवल मैं करूंगा और कोई नहीं। देखता हूं तेरी मदद करने के लिए कौन आता है। हरिओम। अल्लाह मालिक। माँ, वो जगह यहाँ से थोड़ी और दूर है, लेकिन बहुत समय से ना वहाँ पर कोई दादा, दादा, वो देखिए ना चेतन को कुछ हो रहा है, देखिए ना जाइए ना, वो उठ ही नहीं रहे हैं काका, देखिए ना। हटो। चेतन, 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 चेतन। मिर्गी का दौरा पड़ा है। बाला, जल्दी से इसके आई बाबा को बुला के लाओ, जल्दी। चेतन, पानी दीजिए। चेतन, चेतन, आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ। पहले जी ऐसे प्यास सुखाइए। कौन है ये? गांव में तो पहले कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? जी, मैं सावित्री, मैं डॉक्टर हूँ। एक तो औरत, ऊपर से कह रही है डॉक्टर है, संभव है ये भला? औरत क्या इससे सुई चुभोगी? अगर चेतन को कुछ हो गया तो? जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। इससे नहीं हो पाएगा, ये क्या इलाज कर पाएगी? हाँ, इससे क्या हो पाएगा? ये तो औरत है, ये क्या कर पाएगी इलाज? ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो मेरे बच्चे से, तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास दिख नहीं रहा है, हाथ कांप रहे तुम्हारे। क्या खाक डॉक्टर हो तुम? और क्या मेरा ही बच्चा मिला था तुम्हें अंधेरे में तीर चलाने के लिए? बीबा बहू, इसे जल्दी से घर लेकर चलिए, इसकी दवाई घर पर है, वह जी ने दी थी, जल्दी से चलिए। स्वागतम, स्वागतम, जनार्दन सेठ, स्वागतम। हरिओम, हरिओम। शिरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जनार्दन जी। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि अतिथि देवो भव। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अरे मुझे बुला लिया होता अपने घर। एक सिद्धांत है मेरा, जहाँ पैसा लगाता हूँ रहता भी वहीं।
थोड़ी देर में मेरा परिवार भी पहुंचने ही वाला है और आज से हम कुछ महीनों के लिए यहीं पर रहेंगे। आप मेरे रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। अवश्य अवश्य। पंता जाओ, इनकी रहने की व्यवस्था करो। जी सरकार। तब तक आप अंदर चलिए, जलपान कर लीजिए। बाद में, पहले कुछ काम की बात कर लें। ये आपकी विशेषता मुझे बहुत भाती है। विषय से विषयांतर नहीं होते आप, आते ही काम की बात शुरू। मुझे सिर्फ फायदे और नुकसान की बात समझ में आती है, बाकी चीजों पे वक्त जाया करने का मतलब अपना मुनाफा कम करना। पैसा लगाया है तो मुझे मुनाफा चाहिए, और वो कब होगा? क्योंकि आते वक्त मैं देख रहा था इस गांव में महामारी का असर तो दिखा ही नहीं मुझे। धीरज रखिए जनार्दन सेठ, धीरज रखिए। मेरा अनुभव ये कहता है कि ये इन्फ्लुएंजा शिरडी में आकर रहेगा, और यहाँ हमारा कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं है। लोगों को झक मारकर मेरे ही पास आना है, इसका मतलब लाभ ही लाभ। ऐसे डॉक्टर हो तो मरीज का तो राम ही मालिक। अरे ये डॉक्टरी औरतों का काम है क्या? कौन आएगा इसके पास इलाज कराने? बेटी क्यों ये सब कुछ सह रही है तू? हाँ मैं तेरी आई हूं, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, चाहती हूँ तू हमेशा खुश रहे, तो इसीलिए तू खुद को इतना दुख दे रही है? हाँ इतनी मुश्किल राह पे चलना जरूरी है क्या? अब भी वक्त है, छोड़ दे ये सब, ये औरतों का काम नहीं। हाँ शादी कर, सुखी जीवन जी। माई, हर इंसान के सुख की अपनी अलग परिभाषा होती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दुख झेलता है, और कोई अपनों के सपनों के लिए अपना हर दर्द भुलाकर उनके साथ चलता है। और जब हम किसी अच्छे काम के लिए मेहनत करें तो राम जी उसकी हर मुश्किल हर दर्द दूर कर देते हैं। बाबा आप? गांव वाले मुझे साईं कहते हैं, लेकिन मुझे जानने से पहले आपको अपनी बेटी की खुशी के बारे में जानना जरूरी है। अपनी बेटी से एक बार पूछ तो लीजिए कि इसके लिए सुख की परिभाषा क्या है। तुम डॉक्टर हो ना, शिरडी में नहीं आई हो? अंग्रेजी सरकार की तरफ से यहाँ के सरकारी दवाखाने में इसकी नियुक्ति हुई है, ये इसकी पहली नियुक्ति है यहाँ पे। ये तो राम जी की कृपा है माई, उन्होंने सही वक्त पर भेजा है आपकी बेटी को यहाँ। हमारे इम्तिहान की घड़ी सर पर है और महामारी द्वार पर, ऐसे में किसी डॉक्टर का आना देवदूत से कम नहीं है। मैं तुम्हारा शिरडी में स्वागत करता हूं। साई आपको जितना ये आसान लग रहा है, मेरी बेटी के लिए ये उतना आसान नहीं है। माई
ध्येय हो या सपना, आसान नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। आखिर सोने को निखरने के लिए पहले आग में तपना पड़ता है। बेटी, वहां जो भी हुआ मैंने देखा। मैं नहीं जानता इसकी वजह क्या है, लेकिन एक बात कहूं, जान लेने वाले हाथ थरथराए कांपे तो समझ आता है, लेकिन जान बचाने वाले हाथ क्यों थरथराए? इससे नहीं हो पाएगा, ये क्या इलाज कर पाएगी? हाँ हाँ, इससे क्या हो पाएगा? ये तो औरत है, ये क्या कर पाएगी इलाज? बेटी, राम जी कभी कोई बात बिना वजह नहीं करते। अगर उन्होंने तुम्हारे हाथों में जान बचाने की कला दी है, तुम्हें इस विद्या तक पहुंचाया है, तो इसका मतलब है कि खुद राम जी ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि खुद मालिक तुम पे भरोसा करता है। इसलिए तुम भी खुद पे भरोसा करो और आत्मविश्वास से इस विद्या का उपयोग करो, बाकी सब राम जी ठीक कर देंगे। तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो गई? अगर किसी सहायता की जरूरत हो तो कहने में झिझकना मत। जी सर, एक सरकारी मकान आवंटित है, हम वही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उस बच्चे को देखा तो रुक गए। अब मैं सीधा दवाखाना ही जाऊंगी, इससे पहले कि महामारी शिरडी में आए। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है साईं। जिसे अपने आराम से पहले काम की चिंता हो, वो कभी हार नहीं सकता है। राम जी ने बिल्कुल सही इंसान को भेजा है शिरडी की मदद के लिए। रुको, मैं भी साथ चलता हूं, थोड़ी मदद भी कर दूंगा। डॉक्टर और शिरडी में? जी सरकार, आज ही आगमन हुआ है उसका। अपना लटे बिरजू है ना, उसने अपने आंखों से देखा है। उस डॉक्टर ने तो एक बच्चे का इलाज करने की कोशिश भी की। यदि यहाँ सरकारी डॉक्टर होगा तो हमारी दवा कौन लेगा? कौन आएगा आपसे इलाज कराने के लिए? कुलकर्णी जी, अब ये कारखाना लगाने का कोई फायदा नहीं है। भरोसा किया था मैंने आप पर, आपने कहा था यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने सत्य ही कहा था जनार्दन सेठ, अब मुझे क्या पता था कि शिरडी में नया डॉक्टर आ जाएगा। जाएगा नहीं सरकार, जाएगी। वो डॉक्टर औरत है। शिरडी में नियुक्त नई डॉक्टर, डॉक्टर सावित्री। ये तो एक औरत है। ऐसा किसने कहा कि एक औरत डॉक्टर नहीं बन सकती? माफ कीजिएगा साईं, लेकिन इतनी समझ एक औरत में कैसे होगी? लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे ना, बोलेंगे कि मर्द होके औरत के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। हम जा रहे हैं साईं।